जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 63 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SQMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, या आप BHU से हो, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो या पढ़ते हो, तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते सीधा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम्स का जो है कि सॉल्यूशन सीरीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को लेक्चर नंबर 61 और 62 में बता चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 को एक अलग मेथड से मैं बताऊंगा आज के इस लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 63 में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक अलग ही मेथड से बताने की कोशिश करूंगा, है ना, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से देखेंगे, है ना। देखिए नीचे में लिखा हुआ राइट डाउन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से जो है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को एबिलियन शो करना बड़ा ही आसान होता है। देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसी क्वेश्चन को बताया था, शो डैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भीज, मतलब देखिए यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 के बराबर है, और ये क्या बनाता है, फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने शो किया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, इसको एबिलियन शो किया था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से इसको शो करूँगा एबिलियन। हालाँकि यहाँ पर ये नहीं शो करने बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल से ही आप शो कीजिए, ये यहाँ पर नहीं कहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए, है ना, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के साथ साथ उस इस मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से मैं एक दिए गए क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करूँगा, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मैं प्रूफ करूँगा कि ये एबिलियन फॉर्म करता है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आइए कैसे शो करेंगे देखिए। यहाँ देखिए अलाइटर का मतलब होता है एक दूसरे तरीके से शो करना, अलाइटर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। नाउ वी राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल, देखिए बाएं वाला जो है वो टेबल गलत है, राइट वाला टेबल सही है। टेबल 1.1 देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दिया रहे उसको आप लोग लिख लीजिए हॉरिजॉन्टल और कॉलम वाइज। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये दिया हुआ था, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को लिख लिया मैंने हॉरिजॉन्टली और कॉलम वाइज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। फिर यहाँ से देखिए, पहले इस वाले को देखिएगा फिर इधर देखिएगा, ठीक है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा मिलेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा मिलेगा, ओमेगा को ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 2^4 मिलेगा। ये टेबल 1.1 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बात को समझिएगा, मैं यहाँ चेंज करूँगा चूँकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसी वजह से मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है टेबल 1.1 में, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है, इसके बदले मैं 1 और 1 लिख दूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ओमेगा का पावर 4 है, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। पहले ओमेगा का पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ओमेगा का वैल्यू तो एज इट इज़ ओमेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ओमेगा का पावर 4 बराबर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ पर ओमेगा 4 था टेबल 1.1 में, टेबल 1.2 में मैंने क्या किया, ओमेगा का पावर 4 को ओमेगा का पावर 4 को मैंने क्या किया, ओमेगा ही रहने दिया, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा इसको देखिए, पहले तो ग्रुप प्रूफ करूँगा, इसके बाद इसको एबिलियन प्रूफ करूँगा इस टेबल के मदद से। आइए क्लोजर, क्लियरली एवरी एंट्री इन द टेबल 1.2, टेबल 1.2 को देखिए, इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हेंस ए इज क्लोज्ड। इसका मतलब जितना भी एंट्री हो रहा है वो क्या किस फॉर्म में हो रहा है, या तो 1 या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये सारे के सारे सेट ए में बिलोंग भी कर रहे हैं, है ना, और सेट ए हमने क्या किसको माना था,
देखिए, मैंने वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के एलिमेंट्स को लेकर के सेट ए बनाया था ना लेक्चर नंबर 62 में, तो वही बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं लिख लीजिएगा लेट ए बराबर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, एक कर्ली ब्रैकेट लगा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात है, तो यानी कि क्लियरली ये देखने से ही पता चल रहा है, क्लियरली एवरी एंट्री, जो भी एंट्री आया हुआ, जो भी रिजल्ट आया हुआ इन दी टेबल 1.2 में, वो वन है, चाहे या तो ओमेगा है या तो ओमेगा स्क्वायर है, इन तीनों में से ही कोई एक है, इसके अलावा कोई 1.2 में दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब चौथा पाँचवा एलिमेंट नहीं है, इन तीन एलिमेंट के अलावा और कोई भी चौथा पाँचवा एलिमेंट नहीं है, हेंस ए इज क्लोज, इसी वजह से ए क्लोज है, यानी कि कोई भी एलिमेंट को लिया मैंने, उसमें ऑपरेशन लगाया, तो उसी सेट का ही ये एलिमेंट आ गया, यानी कि रिजल्ट उसी सेट का ही आ गया, यानी कि ये क्लोज्ड है ना, यानी कि क्लोजर है। अब एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे कैसे करके, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटिव, बस इसको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एसोसिएटिव होता है, बस आगे बढ़ जाना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थोड़ा सा इसमें क्वालिटी हाँ थोड़ा ख़राब हो गया फोटो का, कोई दिक्कत नहीं, आप देखने की कोशिश कीजिए बढ़िया से, है ना। एग्जिस्टेंस, हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी इज वन, आइडेंटिटी देखिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का बात किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर बात किया है एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिएगा जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो वन होता है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ द आइडेंटिटी इज प्लस वन एंड दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट रॉ ऑफ द टेबल। तो देखिए टेबल 1.2 देखिए फर्स्ट रॉ में देखिए आइडेंटिटी है ना, बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेट ए में भी बिलोंग करेगा ही करेगा। द आइडेंटिटी इज वन प्लस वन एंड दिस ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट रॉ ऑफ द टेबल। अब नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, द इनवर्सेस ऑफ वन ओमेगा, देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा बढ़िया से तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को यहाँ पर बढ़ा लीजिए, है ना, 720 में बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा तो लगेगा, क्या दिक्कत है। द इनवर्सेस ऑफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ द इनवर्सेस ऑफ क्या होगा, वन का ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा, मतलब उसका जो ये इन्वर्सेस होगा, जैसे कि वन का इन्वर्स वन ही होगा क्योंकि वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, ओमेगा को अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का क्यूब मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, यानी कि वन का ओमेगा का और ओमेगा का स्क्वायर का इन तीनों का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वन होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा होगा रिस्पेक्टिवली, है ना। हेंस ए इज ए ग्रुप, इसीलिए चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, इसी वजह से सेट ए क्या हो गया, ग्रुप हो गया अंडर द मल्टीप्लीकेशन। अब चलिए कॉम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे, यानी कि एबेलियन, तभी हम एबेलियन ग्रुप शो कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे। ऑल्सो ए इज एन एबेलियन, मैंने कहा कि ए मेरा एबेलियन ग्रुप है, सिंस द टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द मेन डायगोनल विच बिगन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये टेबल 1.2 पे ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, ऑल्सो ए इज एन अबेलियन, एक अबेलियन है, क्यों, सिंस द टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल को देखेंगे, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, है ना, कहाँ से, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से देखेंगे, आइए, हाँ तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से देखते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है आपको, हाँ तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हमको दिख गया बाबू, है ना, देखिए ये वन है, ये ओमेगा है और फिर ओमेगा है, इसको देखिए, बात समझे, किसको देखना है, नहीं समझे, बढ़िया से देखिए, कोशिश कीजिए देखने का, वन को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा साफ साफ कि देखिए ये जो मेन डायगोनल है ना लेफ्ट से राइट, ये आप देखिए, रुके एक मिनट, ये देखिए ये वन है, लेफ्ट से देखिए राइट की ओर, लेफ्ट ये वन है, देखिए ये मैं जहाँ जहाँ बिंदु बिंदु देता हूँ वहाँ वहाँ आप समझ जाइएगा, देखिए मतलब ये जो है, ये तो बड़ा हो जा रहा है ना, देखिए मैं इसको इधर भी नहीं कर सकता हूँ, अच्छा ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ, ये देखिए मतलब ये आपका ओमेगा है ये वाला,
और ये वाला जो ओमेगा है और ये वाला ओ वन है, तो इसी डायगोनल, इसी लेफ्ट से राइट की ओर देखिए, ये ओम वन, ये ओमेगा, ये ओमेगा, ठीक है। इसके आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको मिलेगा वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वन, और इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे तरफ देखिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वन, मतलब जो ऊपर ठोमे है वो नीचे ठोमे भी है, है ना, मतलब जो है कि सेम सेम है। तो मेन डायगोनल के अपोजिट भी जो चीज़ है वो सेम नीचे की और भी वही चीज़ है, यानी कि ये जो मेन डायगोनल है ये दोनों को एक समान बांट रहा है। तो जब कभी भी एक समान बांटता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, यानी कि एल एच एस आर एच एस बराबर है ना, इसका मतलब तो यही ना हुआ। तो इसका मतलब, तो फ्रॉम द टेबल ऑल्सो ए इज एन अबेलियन ग्रुप सिंस द टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द मेन डायगोनल विच बिगन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ये स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड कॉर्नर में स्टॉप हो रहा है, ठीक है ना, राइट हैंड कॉर्नर के बॉटम वाले कॉर्नर में, है ना, और लेफ्ट हैंड कॉर्नर के टॉप वाले कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड कॉर्नर के राइट हैंड कॉर्नर में बॉटम वाले कॉर्नर में जाके स्टॉप हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मेन डायगोनल के सिमेट्रिकल हो गया, इसी वजह से कम्यूटेटिव हो गया। हैंस, फिर नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, हैंस सेट ए इज सेटिस्फाइड ऑल फाइव एग्जियम्स, देयरफॉर सेट ए इज ए इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। बस अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है बोल रहा है, समझिएगा बढ़िया से। द सेट टू टू द पावर एन सच डेट एन बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, प्लस माइनस वन होना चाहिए, फिर प्लस माइनस टू होना चाहिए, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, डॉट 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 चलते रहेगा। इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हमको दिखाना है कि ये जो सेट है ये एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं एस बराबर टू टू द पावर जीरो, है ना, इसके बाद फिर क्या बोला, एन का वैल्यू प्लस माइनस वन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, टू टू दी पावर एन का वैल्यू प्लस माइनस टू होना चाहिए, डॉट 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 डॉट। तो एक बार मैं क्या करूँगा, टू का पावर जीरो लूँगा तो वन मिलेगा, फिर टू का पावर प्लस वन लूँगा तो प्लस टू का पावर वन मिलेगा, और टू का पावर प्लस टू लेंगे तो टू का पावर टू मिलेगा, टू का पावर प्लस थ्री लेंगे तो टू का पावर प्लस थ्री मिलेगा, डॉट 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 डॉट। इसके बाद मैं टू का पावर माइनस वन लूँगा तो टू का पावर माइनस वन मिलेगा, टू का पावर माइनस टू लेंगे तो टू का पावर माइनस टू मिलेगा, टू का पावर माइनस थ्री लेंगे तो टू का पावर माइनस थ्री मिलेगा, फिर इसके बाद डॉट 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 चलते रहेगा। तो इस प्रकार से ऊपर में देखेगा, टू का पावर जीरो का मतलब वन आ गया, फिर टू का पावर प्लस वन का मतलब टू का पावर टू ही हो गया, मतलब टू का पावर टू आ गया, मतलब टू ही आ गया, मतलब कहने का मतलब टू का पावर टू का मतलब फिर फोर आ गया, टू का पावर थ्री का मतलब आठ हो गया, डॉट 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 डॉट। अब टू का पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉइंट टू, और टू का पावर माइनस टू का मतलब होता है वन अपॉइंट फोर, टू का पावर माइनस थ्री का मतलब होता है वन अपॉइंट एट, टू का पावर माइनस फोर का मतलब होता है वन अपॉइंट सिक्सटीन, मतलब टू टू जो फोर, फोर टू एट, एट टू जो सिक्सटीन। इसी तरह से टू का पावर फाइव का मतलब होता है टू का पावर माइनस फाइव का मतलब होता है नीचे आएगा तो वन अपॉइंट बत्तीस, फिर डॉट 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 चलता रहेगा। फिर आगे देखिए वन टू फोर एट, फिर नीचे में देखिए वन बाई टू को हम लोग जीरो पॉइंट फाइव लिख सकते हैं, वन बाई फोर को हम लोग जीरो पॉइंट टू फाइव लिख सकते हैं, वन बाई एट को हम लोग जीरो पॉइंट वन टू फाइव लिख सकते हैं, जीरो पॉइंट फिर हम लोग वन बाई सिक्सटीन को हम लोग जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव लिख सकते हैं, वन बाई बत्तीस को हम लोग लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू फाइव लिख सकते हैं, फिर डॉट 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 चलता रहेगा। एक बात यहाँ पर समझिए, दो बड़ा है कि चार बड़ा, तो चार बड़ा है, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है, वन बाई टू बड़ा हो जाता है, वन बाई फोर बड़ा, वन बाई फोर उससे छोटा हो जाता है, क्योंकि वन बाई फोर का वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव होता है जबकि वन बाई टू का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव होता है। फिर एक और बात समझिए कि फोर बड़ा है कि एट बड़ा है, तो एट बड़ा है, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं वन बाई फोर बड़ा होता है और वन बाई एट छोटा हो जाता है। आगे देखिए एट बड़ा है कि सोलह बड़ा है, तो सोलह बड़ा है, ठीक ना, एट छोटा है, जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं वन बाई एट बड़ा हो जाता है, वन बाई सिक्सटीन छोटा हो जाता है, यानी कि सोलह से बड़ा बत्तीस है, तो इसी प्रकार से वन बाई सोलह बड़ा हो जाएगा और वन बाई बत्तीस उससे छोटा हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर। तो इससे आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो मैंने सबके पीछे कारण होता है बाबू, देखिए जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा क्या आया था, मेरा टोटल को मैं अब कंबाइन करके लिखना चाहता हूँ जस्ट, है ना, जैसे कि वन टू फोर एट, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, वन बाई सिक्सटीन, वन बाई बत्तीस आया हुआ ना। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, मैं ऐसा क्यों इसलिए किया, क्योंकि मैं सेट एस को अच्छा से सजाना चाहता हूँ। जैसे टू है तो टू के पावर टू के पावर टू होगा, फिर टू के पावर टू के बाद फिर टू के पावर थ्री होगा, और टू से पहले कौन होगा, वन बाई टू होगा, ठीक है ना, क्योंकि वन बाई टू का मतलब क्या होता है, जीरो पॉइंट क्या होता है, जीरो पॉइंट फाइव होता है, फिर 0.5 से पहले ना 0.25 होगा, 1/4 0.25, फिर क्योंकि देखिए 1/4 1/8 से बड़ा है, और उसी प्रकार से 1/8 1/16 से बड़ा है, और 1/16 1/32 से बड़ा है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर देखिए 1/16 1/32 से बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको इस ढंग से सजाया है, बात को समझे। और एक समय आएगा जब डॉट 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 करते हुए वन की ओर मूव करेगा,
आगे की ओर जाएगा। ये कब होगा, जब 2 का पावर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं 1/32 का वैल्यू क्या होता है, 1/32 का वैल्यू 1/32 का वैल्यू 0.3125 होता है, मतलब धीरे धीरे घट रहा है, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे घट रहा है, क्लियर हो रहा कंसेप्ट। तो ये बात है, यहाँ पर यही बात चल रहा है, यानी कि सबसे पहले 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125, फिर 0.625, फिर 0.03125। तो इसका मतलब सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आपको समझिए, पहले 1/2 मतलब 0.5, फिर उससे पहले 0.25 आएगा, और उससे पहले 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 का मतलब हो जाएगा आपका 0.125, है ना, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16 का मतलब वही आपका समथिंग 0.0625 होगा, तो मतलब 0.0625 तो 1/8 से तो छोटा ही होगा ना, इसीलिए वो पहले हो गया। इस प्रकार से धीरे 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 ये 0.0 की ओर मूव करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। और ये जो 1 मैंने यहाँ पर लिखा है वो गलती से यहाँ पर लिखा गया है, ये धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ते हुए 0 की ओर बढ़ेगा, है ना। ये 1 किसके बगल में लिखाएगा, तो 2 से पहले लिखाएगा, ये 1 किसके पहले लिखाएगा, ये जो 1 है ये 2 से पहले लिखाएगा, याद रखिएगा, ये यहाँ पर गलती से लिखा गया, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, और ये जो ये जितना भी पॉइंट्स वगैरह आया है 1/2, 1/4, 1/8, ये सब ये 1 और 2 के बीच का सारा पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो 1 से पहले जो आता है, 1 से पहले आपका क्या आता है, 1 से पहले हाफ आता है, हाफ, तो ये सॉरी ये 1 से पहले वाला पॉइंट्स होगा, ये जो 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, ये कहाँ का होगा, तो ये 1 से पहले वाला पॉइंट होगा, 1 से जस्ट पहले वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 की ओर मूव कर रहा है ना, लेकिन 0 को अप्रोच नहीं कर पाएगा, ये 0 को अचीव नहीं कर पाएगा, 0 को सिर्फ अप्रोच ही करेगा। तो चलिए, हालांकि आप इतना समझिए बाबू, क्योंकि ये जो है कि जो सेट बना है, ये मेरा टेबुलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, उसी के मदद से मैंने ये सब पूरा बनाया है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अरेंजमेंट हाँ हो सकता है इधर उधर हो गया, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब देखेंगे क्लोजरनेस को, तो 1 और 1/32 को चेक करेंगे, है ना, तो बिलोंग करता है इसमें, और 1 × 1/32 किया तो 1/32 आया, तो वो भी बिलोंग कर रहा सेट एस में, यानी कि ये क्लोजर हो गया। अब इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यू में चेक फर्दर आप चेक कर सकते हैं। अब फिर एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट का जरूरत पड़ता है, तो 1/16 भी सेट एस का मेंबर है, इसीलिए 1/16 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब 1 × 1/16 × 2 किया, फिर 1 × 1/16 × 2 किया, फिर मैंने इसको में एसोसिएटिविटी लगा करके फिर 1/16 को मतलब कि सॉल्व किया पहले, तो 1/8 आया इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 1/16 × 2, अभी दोनों तरफ 1/8 आया, LHS RHS बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। यू में चेक फर्दर, आप आगे भी चेक कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में 4 बिलोंग कर रहा सेट एस में, 4 बिलोंग कर रहा सेट एस में, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, 4 बिलोंग कर रहा सेट एस में, तो 4 में यहाँ पर देख लिया ना, 4 बिलोंग कर रहा सेट एस में, 4 बिलोंग कर रहा सेट एस में, अगर 4 बिलोंग कर रहा स्टेटस में, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, है ना, 4 में ऐसा क्या, इसको आप दाएं भी कह सकते हैं अगर आप अपने तरफ से देख रहे हैं तो, है ना, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से, जिससे कि 4 में कोई चेंजेस ना आए, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मेरा बिलोंग भी कर रहा स्टेटस में, ज़रा देखिए तो 1 यहाँ पर है, बिलोंग कर रहा स्टेटस में, है ना, इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट एस, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हेंस 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट एस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख, एक लाइन भूल गया लिखना, हेंस 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट एस लिख दीजिएगा, इन सेट एस। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखेंगे, है ना, 8 बिलोंग कर रहा है सेट एस में, तो 8 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 1 है, तो 1 के बराबर आ जाए, तो 8 में हम 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/8 क्या हो गया, हैंस 1/8 इज़ द इनवर्स ऑफ 8, और इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसी वजह से इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि 1/8 मेरा बिलोंग भी कर रहा है सेट एस में, आप देख सकते हैं सेट एस में 1/8 बिलोंग कर रहा है ना, तो इसीलिए ये उसका इनवर्स हो गया, ठीक है। आगे आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट लेकर के, यू में चेक फर्दर,
कम्यूटेटिविटी को चेक करते हैं। अब एक और एक बटा 32 जो है कि बिलोंग कर रहा स्टेटस में, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिविटी के लिए दो एलिमेंट चाहिए, और एक और 32 को पहले सॉल्व करते हैं अंडर दी मल्टीप्लीकेशन, और फिर एक बटा 32 और एक को सॉल्व करते हैं LHS और RHS, देखिए बराबर आ गया, विच इज कम्यूटेटिव, इसी वजह से ये कम्यूटेटिव हो गया। हेंस फाइव पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड सेट एस, देयरफॉर दिस सेट एस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स ऑफ फॉर्म्स ए प्लस बी रूट टू वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो इसको ग्रुप दिखाना है। क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले समझ लीजिए, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, मतलब सभी रियल नंबर को लेना है, लेकिन जीरो भी तो एक रियल नंबर है, लेकिन जीरो को लेना नहीं है। अगर ए प्लस बी रूट के फॉर्म में कोई रियल नंबर है, बोल रहा है कि ए प्लस बी रूट के फॉर्म में कोई अगर रियल नंबर है वेयर ए और बी जो है कि रैशनल नंबर है, तो फिर आप प्रूफ कीजिए कि ए प्लस बी रूट टाइप के जितने भी एलिमेंट्स रियल नंबर आएंगे वे सभी के सभी एक सेट बनाएंगे, और वो सेट क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये चीज़ शो करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट दिस सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज सेट एम, मैं मान लेता हूँ कि जितना भी नॉन जीरो रियल नंबर है वे सभी के सभी सेट एम में कंटेंट है। तो सेट एम बराबर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ऑफ द फॉर्म, और नॉन जीरो रियल नंबर तो है लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है, उसमें भी कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो रियल नंबर ए प्लस बी रूट के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने मान लिया देयरफॉर एम बराबर एन नॉन जीरो रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म्स ए प्लस बी रूट टू वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ये मैंने मान लिया। अब क्लोजरनेस को दिखाएंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पी बराबर एक एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक रियल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा ए प्लस बी रूट के फॉर्म में, तो टी वन प्लस टी टू रूट टू एक एलिमेंट पी सिलेक्ट किया जो कि रियल नंबर है, जो कि ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म का है, और एक दूसरा एलिमेंट क्यू मैंने सिलेक्ट किया जो कि एल वन प्लस एल टू रूट टू यानी कि ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म का है, जो कि सेट एम में बिलोंग करता है, ऐसा मैंने मान लिया। अब ऐसा हो गया जहां पर T1, T2, L1, L2 आर रैशनल नंबर्स होना चाहिए। अब मैं P और Q को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमको चेक करना है, यहां पर बोल भी दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसी वजह से P और Q को मल्टीप्लाई किया, T1 प्लस T2 रूट टू हुआ इंटू L1 प्लस L2 रूट टू हो गया। यहाँ पर सिंपली हम लोग T1 को L1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर T1 को L2 रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, T2 को L1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और T2 रूट टू को फिर L2 रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमको मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा जैसे कि नीचे में दिखाया गया है, और T1 T2 और 2 इंटू T2 L2 मिलेगा, और नीचे इधर मेरा रूट टू कॉमन आ जाएगा, T1 L2 प्लस T2 L1, और आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके यही चीज़ आएगा, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब T1 L1 और T2 L2 को दो बार तोड़ के लिख सकते हैं, T2 L2 अब प्लस T1 L2 और प्लस T2 L1 और रूट टू, और ये आप देख सकते हैं कि T1 T2 L1 L2 ये सभी के सभी रैशनल नंबर है, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि T1 L1 T2 L2 दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, है ना। तो यानी कि T1 L1 और T2 L2 और T2 L2 है ना, दो बार है, तो ये सभी के सभी बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर्स में। लेट T1 L1 और T2 L2 T2 L2 दो बार है, इसको मैं F मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ, एंड लेट कर लेता हूँ T1 T2 और प्लस T2 L1 को मैं R लेट कर लेता हूँ। तो उस केस में P और Q क्या हो जाएगा, T1 L1 और T2 L2 और T2 L2 को हम लोग F माने हुए हैं, और T1 L2 और T2 L1 को हम लोग R माने हुए, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी रूट टू, तो जो कि ये ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब F प्लस R रूट टू बिलोंग करेगा जरूर M में, क्योंकि ये तो ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में आ गया। यानी कि मैंने दो रियल नंबर को ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में लेके चला था, एक T1 प्लस T2 L2 T2 रूट टू और एक L1 प्लस L2 रूट टू, और मुझे बदले में क्या मिल गया रिजल्ट में, एफ प्लस आर रूट टू जो कि किस फॉर्म में है, ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में, इसी वजह से ये सेट एम में बिलोंग कर रहा, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, इसीलिए ये क्लोजर हो गया। अब एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, पी बराबर T1 प्लस T2 एक T2 रूट टू में एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि रियल नंबर ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है, और क्यू बराबर L1 प्लस L2 रूट टू एक दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं जो कि ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है, जो कि रियल नंबर भी है, और एन बराबर G1 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा G1 प्लस G2 रूट टू जो कि ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है, है ना। तो ये तीन नंबर मैंने रियल नंबर मैंने ले लिया जो कि ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में है, जहाँ पर T1 T2 मल्टीप्लाई में L1 T1
मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, कॉमा देके भी कह सकते हैं, यहाँ पर कॉमा छूट गया T1 और T2 के बीच में, T1 T2 L1 L2 G1 G2 ये सभी के सभी रैशनल नंबर होना चाहिए। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इट कैन बी वेरीफाइड डैट PQN, मतलब कि मैंने देखिए T1 T2 रूट 2 और को P माना है और Q को L1 L2 रूट 2 माना है और N को G1 G2 रूट 2 माना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एसोसिएटिविटी लगा करके चेक कर सकते हो कि ये बराबर आएंगे। इट कैन बी वेरीफाइड P इंटू Q इंटू N, Q इंटू N और P इंटू Q और इंटू N, मतलब एसोसिएटिविटी चेक कीजिएगा तो LHS RHS बराबर आएगा, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में हमेशा वन होता है, तो चूंकि यहां पर जो भी एलिमेंट होगा सेट एम में, जो भी रियल नंबर होगा सेट एम में वो ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आएगा वो भी ए प्लस बी रूट टू का ही फॉर्म में होना चाहिए। इसी वजह से एक काम कर लेता हूं मैं आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, मैं मान लेता हूं लेट एच बराबर 1 + 0√2, चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा ये हम लोग कन्फर्म है, इसी वजह से इस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 को मैं 1 + 0√2 लिख ही सकता हूँ, जहाँ पर 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 बाई कुछ नहीं तो 1 ही होगा, वो तो वो एक रैशनल नंबर ही है और 1 तो रैशनल नंबर ऑलरेडी है, क्लियर है। अब बिलोंग कर रहा है एम में, इसका मतलब वेयर 1 एंड 0 आर रैशनल नंबर्स एंड विच आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंस ए प्लस बी रूट टू बिलोंग कर रहा है एम में, तो ए प्लस बी रूट टू में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, है ना, बाएं से, है ना, बाएं से, और ए प्लस बी रूट टू में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे दाएं से, जिससे कि ए प्लस बी रूट टू में कोई बदलाव नहीं आए, क्योंकि ए प्लस बी रूट टू तो मेरा बिलोंग कर रहा है एम में, और आइडेंटिटी का यही पहचान होता है कि एम में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे बाएं से और एम में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे दाएं से, कि ए प्लस बी रूट टू में कोई बदलाव नहीं आए। तो ए प्लस बी रूट टू में मैं क्या करता हूँ, 1 + 0√2 मल्टीप्लाई करता हूँ बाएं से, और ए प्लस बी रूट टू में मैं 1 + 0√2 मल्टीप्लाई करता हूँ दाएं से, तो मेरा a प्लस बी रूट टू में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 1 + 0√2 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब 1 + 0√2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में मैं काम करता हूं कि t बराबर 1/(a+b√2) ले लेता हूं, ये बिलोंग कर रहा है मेरा सेट m से, है ना, t मेरा एक नंबर है जो कि कहां पर बिलोंग कर रहा है, सेट m में ही बिलोंग कर रहा है। यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर समझने वाली बहुत ज्यादा गहरा बात है, कैसे, देखिए बात को समझिएगा, देखिए कैसे समझाएंगे हम, है ना, चिंता मत कीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया कि टी को मैंने मान लिया 1/(a+b√2) जो कि बिलोंग कर रहा है सेट एम में, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एक तरह से दिखाया है, एंड दिखाना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा दिखाना है। तो अब समझिए कि ए स्टेरिक बी और बी स्टेरिक ए करे तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी कि ए अगर बिलोंग कर रहा है सेट एम में, मान के चलिए एक समय के लिए थोड़ा सा सोच लीजिए, तो बी तब उसका इनवर्स होगा, तब तो जब बी मेरा ए का इनवर्स होगा, है ना, मतलब कि बाएं से और बी मेरा इनवर्स होगा दाएं से ए का, तभी तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, इसका मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक उसी प्रकार से ए प्लस बी रूट टू मेरा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट एम में, क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, ए प्लस बी रूट टू मेरा बिलोंग कर रहा है सेट एम में, ये कन्फर्म है। आप ए प्लस बी रूट टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो सेट एम में, तो ए प्लस बी रूट टू में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, है ना, बाएं से, और ए प्लस बी रूट टू में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे दाएं से, कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तभी हम ये जो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ ए प्लस बी रूट टू के साथ, तो तभी हम इस एलिमेंट को इसका इस एलिमेंट का आइडेंटिटी इस एलिमेंट का इनवर्स कहेंगे, यानी कि 1/(a+b√2) को तभी हम लोग ए प्लस बी रूट टू का इनवर्स कहेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, तो यानी कि वह ए प्लस बी रूट टू को हम लोग वन अपॉन ए प्लस बी रूट टू को जब ए प्लस बी रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जा रहा है, इसका मतलब देयरफॉर 1/(a+b√2) इज इनवर्स ऑफ ए प्लस बी रूट टू, है ना, तो देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, कन्फर्म है। आप कहिएगा कि सर सेट एम में तो ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म का रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था। हम बोलेंगे ठीक बोला बाबू तुम,
तो सर आपने यहाँ पर 1/a + b√2 क्यों ले लिया? क्यों, ये तो नहीं ना बिलोंग करना चाहिए सर, क्योंकि a + b√2 के फॉर्म का एलिमेंट मेरा सेट M में बिलोंग कर रहा है ना? आप तो यही कहोगे। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू, आपने बहुत अच्छा बात कही। अब एक काम कीजिए बाबू, 1/a + b√2 है ना, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। अब रैशनलाइज तो आपको करने आता ही होगा, तो 1/a + b√2 का रैशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर में a - b√2 होगा और नीचे में a - b√2 होगा, तो ऊपर में a - b√2 होगा और नीचे में क्या होगा, a - b a + b का फॉर्मूला लग करके a² - b² × 2 होगा। तो नीचे में आपका एक क्या हो जाएगा, a चूंकि एक रैशनल नंबर है तो a - a² - 2b हो जाएगा, a² - 2b² हो जाएगा, a² - 2b² हो जाएगा। और a चूंकि एक रैशनल है, b चूंकि एक रैशनल है और 2b एक रैशनल है, तो सभी रैशनल को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे b को आपने √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, √2² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो b 2b आ गया, 2b का स्क्वायर आ गया, तो b भी एक प्रकार का जो है कि रैशनल है। तो रैशनल का अगर हम लोग स्क्वायर करते तो भी वो रैशनल रहता है, और √2 मेरा रैशनल नंबर नहीं था लेकिन उसका स्क्वायर करने पर √2 अब रैशनल हो गया, तो वो पूरा का पूरा नीचे वाला रैशनल हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे में आएगा a² - b² × 2। आप करके देख लीजिए, साइड में कॉपी कलम लीजिए, रैशनलाइज कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा ऊपर में a - b√2, नीचे में a² - b² × 2, और नीचे वाला पूरा पोर्शन आपका रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे रैशनल है और ऊपर में आपका क्या है, a - b√2, तो ऊपर में आपका जो रियल नंबर है वो a + b√2 के फॉर्म में है और नीचे वाला पार्ट आपका रैशनल हो गया, तो रैशनल हो गया, कन्फर्म है। अब ये रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है, तो अगर ऊपर में मेरा रियल नंबर है, नीचे में मेरा रियल नंबर है, तो एट लास्ट तो मेरा रियल नंबर ही ना है जो कि मेरा a + b√2 के फॉर्म में आएगा, है ना। हालांकि ऊपर में a - b√2 है, लेकिन आप एक काम कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, है ना, तो बचेगा क्या, a - b√2 कॉमन में। इसको इमेजिन करना सोचिए बाबू, नहीं इतना आप मान लीजिए आप बड़े क्लासेस में आ गए, अब सब चीज़ को लिख लिख करके बताना ये सही बात नहीं है, और हालांकि मैं बताता भी ज़रूर बताता, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो सुविधा नहीं है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख लिख के मोबाइल में बता सकूँ। ठीक है, आने वाले समय में आप सभी के दुआ से जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा कि सर हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वैसा टीचर नहीं है कि हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, आप हमको कॉल कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना, 110% हम बताएंगे। हाँ, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि हम, मेरे पास समय भी तो होना चाहिए, आप फ्री टाइम में कॉल कीजिएगा तो हम ज़रूर बताएंगे, और मेरे पास समय नहीं रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस समय कॉल कीजिएगा बाबू, तो फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर हमसे बेझिझक पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, अब कॉमुटेटिव, हालांकि मुझे हमको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इतना तो आप लोग बुड़बक नहीं ना हो, क्योंकि आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो भाई, है ना। अब कॉमुटेटिविटी चेक करेंगे, यानी कि P मैंने एक रियल नंबर लिया a + b√2 के फॉर्म में, Q मैंने एक दूसरा रियल नंबर लिया l + l2√2 यानी कि a + b√2 के फॉर्म में, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट M में। और अब हम लोग चेक करके देखना है कि PQ और इक्वल टू QP है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो कॉमुटेटिविटी कह देंगे। तो P का वैल्यू मैंने t1 + t2√2 रख दिया, और Q का वैल्यू l1 + l2√2 रख दिया, फिर इधर Q का वैल्यू l1 + l2√2 रख दिया, और P का वैल्यू t1 + t2√2 रख दिया। अब मैं LHS को सॉल्व किया पहले, तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल गया, है ना, t1 + t2 √2 t1 l2 + t2 l1 के फॉर्म में आ गया, तो ये पूरा आया। अच्छा, अब देखिए 2 × t2 × l2 को मैं t2 l2 + t2 l2 लिख सकता हूँ, और इधर मैं t1 l2, यहाँ पर देखिए मैंने t2 लिख दिया गलती से, तो t1 l2 है, ये वाला l2 है ना, l2 अब + t2 l1, ये √2 आया। अब ये हुआ, ये तो एक पार्ट हुआ, अब RHS वाला, ये वाला मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो l1 + l2, यहाँ पर भी एक मिस्टेक कर दिया मैंने, l1 + l2, यहाँ पर l2 √2 होता और t1 + t2 √2 होता, फिर अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो t1 l1 मिलेगा, फिर t2 l1 √2 और t1 l2 √2, इधर मैं सही किया हूँ, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर l1 + l2 √2 होता। ठीक है, तो ये पूरा हुआ, इसको सॉल्व किया मैंने,
तो ये पूरा पार्ट आया, ये भी पूरा पार्ट आया। आप देखिए, अब ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू तो इसके बराबर है, इसके बराबर है, एकदम सेम आएगा, ठीक है ना। LHS RHS के बराबर आ गया है ना। अब जब LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना, जब LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब मैं इसी को चीज़ को दिखाया हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को फिर से दोबारा यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, अब कन्फ्यूज मत होइए, इस चीज़ को मैंने दोबारा लिख दिया है ना, इसको दोबारा लिख दिया। तो LHS RHS बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज़ कम्यूटेटिव, हेंस ऑल फाइव एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप। पांचों के पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, इसीलिए ये एबेलियन ग्रुप हो गया। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, गूगल ड्राइव में मैंने नोट्स इसको अपलोड करके रखा है, तो गूगल ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 64 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।